नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। धर्मपुरी नगर में चल रहे सीवरेज लाइन के निर्माण कार्य में कंपनी की बड़ी लापरवाहियों से दर्दनाक हादसा हुआ। बाईपास चौराहे के समीप सीवरेज लाइन निर्माण कार्य के लिए हो रही खुदाई के दौरान मजदूर की मिट्टी में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। सीवरेज कार्य में कंपनी द्वारा बिना सुरक्षा संसाधनों से कार्य किया जा रहा था, लापरवाही से मजदूर की जान गई। आपको बता दें कि धर्मपुरी में पिछले 2 वर्षों से पीदास इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद गुजरात की कंपनी सीवरेज लाइन का कार्य कर रही है। सीवरेज लाइन निर्माण कार्य के लिए खुदाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मजदूर सौरभ 20 फीट गहरे गड्ढे में पाइप में प्लास्टिक लगा रहा था, तभी अचानक मिट्टी धंसने से मजदूर सौरभ कुमार सोनी जमीन में दब गया। मजदूर 20 मिनट तक मिट्टी में दबा रहा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही धर्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और मस्तकों के बाद मजदूर सौरभ को मिट्टी से निकालकर मृत अवस्था में पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुरी पहुंचाया गया। आपको बता दें कि जिस गड्ढे में मजदूर सौरभ मिट्टी में दबा था, उस गड्ढे से 15 फीट दूर एक कच्चा नाला और 50 मीटर की दूरी पर स्पीड ब्रेकर है, जहां से बड़े लोडिंग वाहन गुजरते रहते हैं। मिट्टी धंसने की वजह वाइब्रेशन भी हो सकती है। इस पूरे हादसे में निर्माण कंपनी की लापरवाही देखने को रही है। फिलहाल इस घटना में मजदूर सौरभ कुमार सोनी पिता धीरज कुमार सोनी उम्र 27 वर्ष निवासी अरवाली मुंडासा गुजरात की मौत हो गई है। प्रभारी धर्मपुरी में बाईपास पर सीवरेज लाइन का खुदाई का काम चल रहा है। करीब 20 फीट गहरी खुदाई चल रही है, उसमें एक मजदूर सौरव पिता धीरज सोनी उम्र 27 साल निवासी मुंडासा गुजरात का काम कर रहा था। अचानक जमीन धस गई और वो अंदर दब गया सीवरेज लाइन में। हाँ, सुरक्षा साधन नहीं किए कर रखे थे, उसमें अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर नीरज पाटीदार, ये धर्मपुरी बाईपास रोड पे जो खलघाट बना हुआ रोड है, यहाँ पे सीवरेज का काम चल रहा था। तो यहाँ पे बटुक भाई पटेल जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक व्यक्ति को लेकर आए थे जिसका नाम सौरभ कुमार पिता धीरज लाल सोनी है। सौरभ कुमार नीचे सीवरेज का काम कर रहा था, जो रोड लेवल से 15 से 20 फीट नीचे था, और काम करते वक्त तो ऊपर से मिट्टी धंसने के कारण मिट्टी के अंदर वो दब गया था। 15 से 20 मिनट वो दबा रहा। उसको निकालने के बाद में तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुरी अस्पताल लाया गया, जहाँ पे देखा गया कि वो मृत था। रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील के सुल्तानगंज में आयोजित तंटिया मामा भील जयंती समारोह में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और सिलवानी विधायक पूर्व मंत्री रामपाल सिंह शामिल हुए। सर्व आदिवासी समाज सुल्तानगंज द्वारा आयोजित समारोह में खाद्य मंत्री सिंह ने कहा कि वही समाज आगे बढ़ता है जो शिक्षित और संगठित होता है। समाज के लोग जितना जागरूक होंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। लोग जब जागरूक और शिक्षित होंगे तो स्वयं आगे आकर शासकीय योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आदिवासी वर्ग के विकास और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमें स्वयं भी आगे आकर इन योजनाओं का लाभ लेना है। खाद्य मंत्री सिंह ने कहा कि मामा तंटिया भील ने मात्र 15 वर्ष की आयु में देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। मामा तंटिया भील का जन्म 1842 में खंडवा जिले के वर्धा गांव में हुआ। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही लाठी गोफन और तलवार से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। वे गरीबों आदिवासियों की मदद करते थे और उनकी बेटियों की शादी कराते थे, जिस कारण वो तंटिया भील मामा के रूप में लोकप्रिय हो गए। खाद्य मंत्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी मामा के रूप में लोकप्रिय हैं। उन्होंने बेटियों के जन्म से लेकर उनके विवाह के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। अंधी हत्या की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में आज सतना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सतना जिले के कोठी कस्बे की अंधी हत्या का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी सपना और उसके परिचित कमलेश को हिरासत में लिया है। पत्नी ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर 24 जनवरी की दरमियानी रात रोटी के तवे से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को अपने परिचित कमलेश के साथ मोटरसाइकिल से कोठी थाने के पीछे जल आवर्धन के गड्ढे में छुपा दिया था, लेकिन हत्या के आरोपी ज्यादा दिन पुलिस की निगाहों से बच नहीं पाए, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है।
सतना के एसपी ऑफिस में आज एसपी सतना ने इस बात का खुलासा किया है कि बीते माह कोठी के कोरियान मोहल्ले में मानव हाथ कटा मिला था, जिसके बाद 29 जनवरी को थाने के पीछे मानव सर मिला। घटनास्थल पर जब खुदाई की गई तो पूरा मानव शरीर मिला। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस को भी अंधी हत्या पर पसीने छूट गए थे, लेकिन एक हफ्ते बाद पुलिस कातिल तक पहुंच ही गई। हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, पत्नी निकली, जिसने पति की प्रताड़ना से तंग आकर 24 जनवरी की दरमियानी रात तवे से सर पर हमला कर हत्या कर दी थी और फिर मृतक के साथी के साथ उसके शव को कोठी थाने के पीछे जलावर्धन के गड्ढे में ठिकाने लगा दिया था। लेकिन धीरे धीरे शव खुद ब खुद बाहर निकल आया और जांच में शव की शिनाख्त सिविल लाइन थाना अंतर्गत पतेरी निवासी शैलेन्द्र भदौरिया के रूप में हुई। सतना पुलिस ने पत्नी सपना और उसके परिचित कमलेश पर हत्या और हत्या कर शव को छुपाने के आरोप में आईपीसी की धारा 302 301 के तहत मामला कायम कर हिरासत में ले लिया है। क्षेत्र में एक डेड बॉडी होने की सूचना मिली थी, इसकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया कि इसकी हत्या की गई है, होमिसाइडल बताया गया था इसको। इसके बाद कोठी में मर्डर का केस कायम किया गया। इस दौरान इसकी शिनाख्त हुई, शिनाख्त में शैलेन्द्र भदौरिया जो कि शराब कंपनी में लगभग 20 साल से काम करते थे उस रूप में शिनाख्त हुई। इनिशियली 25 को इनकी मिसिंग कायम कराई गई थी सिविल लाइन थाने में और ये बताया गया था कि 24 तारीख से घर से निकले फिर लापता हो गए हैं। कई एंगल्स पे इस पे काम किया गया। फाइनली इस केस को इन्वेस्टिगेट करके मृतक की पत्नी साधना और उनके एक पारिवारिक परिचित कमलेश को इसको गिरफ्तार किया गया है। इंटेंशन बेसिकली इस केस में पारिवारिक प्रताड़ना और मारपीट से तंग आके मृतक की पत्नी ने ही रात्रि में तवे से सिर पे हमला करके हत्या की गई है। हत्या होने के बाद इसने अपने परिचित कमलेश को बुलाया और कमलेश की मोटरसाइकिल में खुद उसके साथ जाके कोठी क्षेत्र में जाके इसको मृतक सबको छुपा दिया गया मिट्टी में, जिससे कि इसकी शनाख्त ना हो सके और ये दस्तयाब ना हो सके, गुमशुदगी में केस चलता रहे। इस प्रकार ब्लाइंड मर्डर को वर्कआउट करने में पुलिस ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें मैंने रिवार्ड घोषित किया हुआ था, पूरी टीम को हम लोग पुरस्कृत करेंगे। सर, जो कमलेश था मृतक का मित्र था या कोई और था पारिवारिक था? ये विगत एक वर्ष से इस परिवार के संपर्क में था, मृतक से भी परिचित था और परिवार से परिचित था, इसका आना जाना था। जब ये घटना घटित हो गई तो मृतक की पत्नी ने इसको सूचित किया, ये घर पर पहुँचा और इन्होंने सोच समझ के सबको छुपाने के प्रयास किया गया, इसलिए धारा 201 के तहत इनको भी आरोपी बनाया गया। सर, मृतक की पत्नी से क्या इसके अवैध संबंध की बात सामने आ रही है? नहीं, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं आया है जिससे ये पुष्ट किया जा सके। इतना जरूर है कि परिवार के लगभग विगत एक वर्ष से परिचित था और उसी के आधार पर मृतक की पत्नी ने इसको इस केस में सहयोग करने के लिए बुलाया था। हत्या की मुख्य वजह क्या था? मुख्य वजह जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें मृतक शराब कंपनी में काम करता था, शराब पीने का आदी था, शराब के नशे में परिवार के साथ मारपीट और प्रताड़ना की शिकायत थी। उन्हीं परिस्थितियों में प्रताड़ना से तंग आके यह हत्या घटना घटित की गई। जबलपुर के त्रिपुरी चौक पर इंदिरा गांधी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को त्रिपुरी चौक स्थित जय जवान जय किसान की प्रतिमा के पास मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इंदिरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेखर सोनी का कहना है, केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल केंद्र को वापस लेना चाहिए क्योंकि ये बिल किसान विरोधी है और जब तक केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती तब तक कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में आंदोलन करती रहेगी। हमने इंदिरा गांधी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जय जवान जय किसान स्थल पर हमने आज दिल्ली में बैठे किसान आंदोलनकारी जिनमें लगभग 190 किसान शहीद हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने और हमारे समस्त कांग्रेस जनों ने, और हम इस श्रद्धांजलि के माध्यम से केंद्र सरकार को जो आज मुंह तसर मिलकर बैठी हुई संवेदनहीन सरकार उसके प्रति हम लोग का प्रति आक्रोश है क्योंकि किसान हमारे देश की बहुत बड़ी पूंजी है और जवान भी हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। हम सब लोगों ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये नारा दिया था और आज उन जय जवान जय किसान के नाम पर हमारे देश में अपमान हो रहा है। जो बॉर्डर पर बैठे किसान आज जो बैठे हुए हैं और शहीद हो रहे हैं, आज बड़े हम लोग सुनने आता है, देखने आ रहा है कि उनका एक भाई किसानी करता है तो एक भाई
पाकिस्तान की सीमाओं पर हमारे अच्छा करता है, चीन की सीमा अच्छा करता है, ये हमें बड़ा बड़ा ही दुख और बड़ा ही बेकार लग रहा। हम आप कांग्रेस जन सभी कांग्रेस जन आज किसानों के साथ में हैं और आगे उनकी लड़ाई ये लड़ेंगे, हम लोग बहुत तेज़ी से लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। ये बहुत ही शर्मसार जो सरकार बैठी है इसकी बहुत निंदा करता हूँ। जय हिंद जय भारत। ठीक है ना। केंद्र शासन द्वारा लागू करे गए इस काले कानून के विरोध में अपनी आन बान शान के लिए लड़ते हुए जिन्होंने अपने प्राणों का निछावर किया है, ऐसे हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन इस त्रिपुरी स्मारक में, जहां पर जय जवान और जय किसान की मूर्ति लगी हुई है, यह जो स्थल है संघर्ष का साक्षी रहा है, इस स्थल पर हमने आज किसान भाइयों को अपने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ एक धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हमने यहाँ के लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि कैसे इस काले कानून में जो किसान खुद नहीं चाह रहा है इस कानून को, कैसे उसे केंद्र सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। हम सभी ने मिलकर इन सभी बिंदुओं पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता को जागरूक किया, कैंडल भी मारी, कैंडल जलाया मूर्ति के समक्ष और श्रद्धांजलि अर्पित की। विवेक जैन। सरवार नगर पालिका में भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा में पालिका अध्यक्ष पर चुनाव संपन्न हुआ। कांग्रेस और भाजपा में अपने अपने दलों और पार्षदों के साथ पालिका भवन पहुंचे और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया, जिसमें चुनाव के तुरंत बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना कर प्रोग्राम की घोषणा की, जिसमें पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की छगन कंवर राठौर को 17 मत मिले, जिसमें 2 निर्दलीय और 15 पार्षद कांग्रेस के, जिसके साथ ही कांग्रेस की छगन कंवर राठौर के पक्ष में मतदान कर छगन कंवर राठौर को पालिका अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सरवार नगर पालिका में भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा में पालिका अध्यक्ष पर चुनाव संपन्न हुआ। कांग्रेस और भाजपा में अपने अपने दलों और पार्षदों के साथ पालिका भवन पहुंचे और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया, जिसमें चुनाव के तुरंत बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना कर प्रोग्राम की घोषणा की, जिसमें पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की छगन कंवर राठौर को 17 मत मिले, जिसमें 2 निर्दलीय और 15 पार्षद कांग्रेस के, जिसके साथ ही कांग्रेस की छगन कंवर राठौर के पक्ष में मतदान कर छगन कंवर राठौर को पालिका अध्यक्ष बनाया गया, में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।